हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है, मेरी सिस्टर की शादी है तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़रा मसरूफ हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आज मैंने थोड़ा सा, मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा चलो आज रिएक्शन कर ही दें। और ये इंडिया का काफ़ी फेमस सिटी है, इसका नाम है बेंगलोर, ठीक है। और बहुत ही मज़े का इसका व्यू है। मैंने जो ये वीडियो वॉच की तो मेरा पर्सनली यकीन करते दिल किया कि इस वीडियो पर तो लाजमी रिएक्शन करना चाहिए, बहुत ही मज़े की वीडियो है। आप सब ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी, और कमेंट लाजमी करना है। और जो चीज़ मुझे समझ ना आई मैं आपसे पूछूंगा, आपने कमेंट में मुझे लाजमी बतानी है। वीडियो करते हैं शुरू। और इससे पहले, ये रिक्वेस्टेड भी वीडियो है, ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने देखी, मुझे दिली तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो। वीडियो करता हूँ शुरू और आप सब ने मुझे बताना है कि आप सबको कैसा लगा मेरा रिएक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बेंगलुरु शहर को, बेंगलुरु जिसका ऑफिशियली नाम है बेंगलुरु। Bangalore becomes one of the most important cities in the country. It has come under almost everyone's radar. But how much do you really know about this city? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली हब बेंगलुरु शहर को। जैसे चार बिल्डिंग कुछ अमेजिंग इंटरेस्ट, मुझे लग रहा है कुछ ये। लेकिन इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको मिलता रहे चार वीडियो के। कर्नाटका की राजधानी शहर है बेंगलुरु। पिछले कुछ सालों में भारत का यह शहर बेंगलुरु में काफी सारे चेंजेस आया है। इंडिया की आईटी सेक्टर में बेंगलुरु सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है, जिस वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाहर के देश से भी काफी सारे लोग बेंगलुरु में काम करने के लिए आते हैं। बेंगलुरु एक ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। बेंगलुरु 709 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। आबादी के लिहाज से बेंगलुरु इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलुरु सी लेवल से 3020 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जिसका मतलब है ये देहरादून शहर से भी ऊंचाई पर बसा है, जिस वजह से बेंगलुरु में साल भर एक अच्छा सा क्लाइमेट रहता है। सिटी ऑफ लेक्स। बेंगलुरु में 25 लेक है, जो न सिर्फ पूरे शहर को पानी मुहैया कराता है, साथ में शहर को एक अच्छा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। बेंगलुरु में सिर्फ लेक्स ही नहीं, शहर के अंदर गार्डन भी मौजूद है। बेंगलुरु का लालबाग बोटानिकल गार्डन फेमस जगह में से एक है। यहाँ पे हजार से भी ज्यादा फूल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन गार्डन के वजह से काफी सारे पक्षियाँ भी आते हैं, और शहर इन पेड़ों के वजह से बेंगलुरु के एनवायरमेंट का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहर से भी आगे 1905 में बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक सिटी आ चुका था। बेंगलुरु इंडिया का पहला शहर है जहां पे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करके शहर में इलेक्ट्रिक सिटी चालू किया गया था। बेंगलुरु अपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी कंपनीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बेंगलुरु में ही रहते हैं। यहाँ पे करीब 10 लाख आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं। इनमें से भारतीय नागरिक के अलावा बाहर के देश के लोग भी शामिल हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में ही मौजूद है। इंडिया की दो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस और विप्रो की हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में मौजूद है। तो आप इमेजिन कर सकते हो बेंगलुरु टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है। आईटी हब में भी बेंगलुरु भारत का फोकल पॉइंट है, जिस वजह से बेंगलुरु में इतने सारे इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट रहते हैं। बेंगलुरु में 21 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बेंगलुरु इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा पार्क कैपिटल वाला शहर है। इसके अलावा इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के लिस्ट में और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के लिस्ट में बेंगलुरु चौथे नंबर पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बेंगलुरु के जीडीपी 70.8 यूएसडी है और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है 8.5%। दोस्तों, कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट का कहना है जिस तेजी के साथ बेंगलुरु आगे बढ़ रहे हैं, 2035 तक इसकी जीडीपी डबल होने की पॉसिबिलिटी है। बेंगलुरु भारत का उन शहरों में से एक है जहां पे लोग कामकाज करने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। हालांकि बेंगलुरु जैसे शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा है। बेंगलुरु में इंडिया की सारे धर्म के लोगों की धार्मिक स्थल मौजूद है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सबसे ज्यादा बने हुए हैं। बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नाम्मा मेट्रो नाम से भी जाने जाता है, 20 अक्टूबर 2011 में पहली बार नाम्मा मेट्रो को चालू किया गया था।
बेंगलोर में दो लाइन अभी ऑपरेशनल है, एक पर्पल लाइन और दूसरा ग्रीन लाइन। टोटल यहाँ पे 40 स्टेशन है। बेंगलोर मेट्रो से सालाना 131.7 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। बेंगलोर में 300 साल से भी ज्यादा पुराना प्राकृतिक चट्टान मौजूद है। ये एक समतल भूमि से निकलता है और करीब 16 एकड़ जमीन के अंदर फैला हुआ है। इंडिया के नोबेल प्राइज के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बेंगलोर शहर से ही है। सर सीवी रमन फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी जीता था। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, स्पोर्ट्समैन अनिल कुंबले, रविन उथप्पा, राहुल द्रविड़ जैसे फेमस पर्सन बेंगलोर शहर से ही है। साल 2008 में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया गया था। करेंटली बेंगलोर एयरपोर्ट इंडिया का 3rd बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाय ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक, और रोजाना कई सारे इंटरनेशनल उड़ान यहाँ से उड़ान भरते हैं। बेंगलोर में शिक्षित लोगों की परसेंटेज है 87.67%। बेंगलोर में इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईटी को छोड़कर भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, रेवा यूनिवर्सिटी जैसे परिचित यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। दोस्तों मालगुडी डेज, हम सबने अपनी स्कूल लाइफ में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है मालगुडी डेज की स्टोरी को बेंगलोर शहर से इंस्पायर होकर ही बनाए गए हैं? दोस्तों बेंगलोर मतलब आईटी हब, इंजीनियरिंग कॉलेज और सिर्फ कामकाजी नहीं है। बेंगलोर में एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पब आपको बेंगलोर में मिल जाएंगे। बेंगलोर में एक एक्साइटिंग नाइट लाइफ मिलता है। बेंगलोर को बायोटेक कैपिटल भी कहा जाता है। शहर में हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मौजूद है। इंडिया में ऑलमोस्ट 47% बायो कंपनी बेंगलोर में ही है। बेंगलोर में ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नाडा, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से भी लोग बात करते हैं। फूड, बेंगलोर आने पे आपको लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें इडली, वड़ा, डोसा जैसे साउथ इंडियन खाना शामिल है। इसके अलावा चाट एंड पानी पूरी, रोल कबाब, मैंगलोर बंस, उबट्टू, भाजी, मोमोज जैसे चटपटे खाना बेंगलोर के सड़क में मिल जाएंगे। बेंगलोर में कई सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जहाँ पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। लालबाग बोटानिकल गार्डन, काबोन पार्क, बेंगलोर पैलेस, बायोलॉजिकल पार्क, टीपू सुल्तान समर पैलेस, नंदी टेम्पल और भी कई सारी जगह इसमें शामिल है। दोस्तों बेंगलोर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी काफी वेलकमिंग है। शहर में साल भर एक अच्छा सा वेदर बना रहता है जो इस शहर को और ब्यूटीफुल बनाता है। तो आपको बेंगलोर शहर कैसी लगी? वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। मुझे बेंगलोर जो शहर, जैसे इस भाई साहब ने बताया कि पानी के थ्रू बिजली भी इसी सिटी में बनी, और मतलब इतना खूबसूरत है। मुझे, मैं सही बात बताऊं तो मुझे ये इंडिया लग ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई बाहर का कंट्री है, जैसे वो मिनी जापान। मैंने उस वीडियो पर भी रिएक्शन किया था मिनी जापान पर, ठीक है। तो बहुत मुझे मतलब कि बहुत ही मतलब हाई लेवल पे ये जाएगा आगे आगे। मतलब एक होता ना कि काफ़ी सारे सिटी बहुत बैक आ जाते हैं, लेकिन ये आगे से आगे जा ही जाएगा, क्योंकि नज़र आ रहा है बहुत पैसा लगा हुआ है इस पर। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आप सब ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। काइंडली आप सब मुझे सपोर्ट करें यार, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। चलें, आपके एक व्यू से, एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाना, चलेंगे कि आपके भाई को ज़रा सपोर्ट मिल जाएगी और कुछ अच्छी से अच्छी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।